गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। हाँ जी, तो बेटा आपका टेस्ट था आज, पता है आपको? नहीं यस। कौन सा टेस्ट था आपका मैम? चैप्टर 3 के न्यू वर्ड्स और बुक वर्क। यस, तो आते हैं बेटा आपको। पढ़ के आए हो टेस्ट मैम? यस यस मैम। तो बच्चे अपनी टेस्ट बुक्स खोल लो आप। सभी बच्चे अपनी टेस्ट खोलते हैं। खोलो बेटा। हम खोलते हैं। हाँ जी, होगी बेटा ओपन टेस्ट नोटबुक्स आपकी? यस मैम। यस तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम टेस्ट पे? मैम डे टुडे। डेट एंड डे लिखो टेस्ट पे। मैम ओके मैम। क्या डेट है बेटा आज? मैम डेट है मैम 21। 21, 21, 1, 22, ऐसे डेट लिख ली आपने। उसके बाद क्या लिखते हो? टेस्ट कौन से सब्जेक्ट के? मैम डे। टेस्ट कौन से सब्जेक्ट के आपका? साइंस का। मैम साइंस। साइंस का क्या टेस्ट है जी आपका? मैम न्यू वर्ड्स और बुक वर्क। यस। उसके बाद नेक्स्ट डे लिखते हो, क्या डे है आज? मैम डे। मैम डे। मैम फ्राइडे। यस लिखो बेटा। मैम ओके। फ्राइडे। मैम हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा। हाँ जी लिख लियो? यस मैम। टेस्ट हाँ जी, तो सबसे पहले बेटा न्यू वर्ड्स लिखोगे? न्यू वर्ड्स मैम ओके। या बैग खोला था कॉपी टू की देख ले या जड़ा कहने ने मॉर्निंग बेटा। चल पढ़ बेटा। नमी कौन सी चैप्टर का टेस्ट कर रहा है? थर्ड का बच्चे। हम चैप्टर थ्री। हाँ डिफरेंस क्या है? फर्स्ट न्यू वर्ड लिखो। मैं चैप्टर फोर का हो रहा है। थर्ड बेटा थर्ड। मैं चैप्टर फोर के। ऑब्टेन लिखो बेटा फर्स्ट। न्यू वर्ड है फर्स्ट ऑब्टेन। मैम फर्स्ट क्या है? ऑब्टेन। बस कौन से चैप्टर को ले रहा हो? मैम ओके। ओ बी मैम ओके। बोल बोल के लिखो बेटा साइंस। ओ बी ओ बी टी ए ए आई एन। मैम इसका आंसर हमें पता है। मैम सर नोटबुक मैम आंसर है इसका गेट। नहीं बेटा टेस्ट नोटबुक्स पे। टेस्ट नोटबुक्स खोलो अपनी। मैम इसका आंसर है गेट। यस क्या आएगा इसका? मैम हां जी बेटा क्या? मैम गेट। गेट गुड। मैम गेट। बाकी भी बताओ। बट कौन सा चैप्टर? ऑब्टेन का क्या आएगा? क्या लिखा आपने? सुखमन को छोड़ के बाकी कौन सा लिखा है बेटा? बोल बोल के लिखो। बट कौन सा चैप्टर? थर्ड का बेटा। मैम वन मिनट। हाँ जी खोल लो बेटा अपनी नोटबुक्स खोल। मैम वन मिनट।
ओके बेटा ओके ऑब्टेन का क्या आएगा बेटा गेट 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 कैसे लिखे कैसे लिखोगे गेट जीईटी मैम जीईटी यस जीई गेट जीईटी गेट यस देखो सबने लिख लिया बेटा अब मैं बताऊं यस मैम सबने लिख लिया तो अब लिखो क्या आएगा इसका गेट मैम गेट गेट देखो आपने ऐसे ही लिखा है यस मैम ऐसे लिखा तो अपने मार्क्स लगा लो बेटा वन मार्क का था ये आगे लिखो सेकंड लिखो यूनिट यूनिट मैम यूनिट का सेक्शन यूनिट का क्या आएगा सेक्शन यस सेक्शन क्या सेक्शन लिख लिया सबने पहले ये बताओ यस मैम यस सेक्शन S-E-T-T-I-O-N देखो सबने ऐसे लिखा है यस मैम यस ऐसे लिखा है तो अपने मार्क्स लगा लो बेटा इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप बैलेंस मैम क्या बैलेंस बैलेंस कैसे लिखा मैम बैलेंस stability yes क्या बना ये मैम stability 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 ठीक है सबने ऐसे लिखे stability सबने लिख लिया ओके तो अब देखो अब मिला के देखना इसके साथ ऐसे लिखे ऐसे लिखे बेटा मैम यस यस मैम ओके बेटा तो नेक्स्ट लिखो आप स्टैंडर्ड नेक्स्ट क्या लिखोगे स्टैंडर्ड मैम इसका बताएं बेटा सबको लिखने दो पहले नहीं तो चीटिंग हो जाएगी ना सुखमन तो सबका हो गया कंप्लीट बेटा लिख लो यस मैम हो गया बेटा सबका कंप्लीट डन है सबका यस मैम तो अब बोलू मैं कैसे लिखने मैम यस आप बताओ पहले स्टैंडर्ड का क्या आएगा मैम लेवल लेवल स्टैंडर्ड का क्या आएगा सभी बोलो स्टैंडर्ड का क्या आएगा एल एल ई वी एल एल ई वी एल एल ई वी एल आई नहीं बेटा गलत बोला मैम नो एल ई वी ई एल वी ई एल ई वी ई एल लेवल एल देखो सबने ऐसे लिखा अपनी नोटबुक पे यस मैम तो मार्क्स लगा लो बेटा अपने सही लिखे तो आगे लिखो कैपेसिटी नेक्स्ट लिखो के सी ए पी ए सी आर टी वाई कैपेसिटी तेरी क्लास मैम हमने इसका आंसर भी लिख लिया लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है अभी पहले सभी लिखेंगे उसके बाद पूछते हैं ठीक है ओके हाँ जी कैपेसिटी का लिख लो बेटा सभी बोल के लिखो बेटा बोल के लिखो मैम हमने कैपेसिटी एस आई डी साइज मैं लिख लिया मैम साइज क्या आएगा कैपेसिटी का साइज आएगा साइज
क्या आएगा बेटा? साइज कैसे लिखते हैं? एस आई डी तो ऐसे होगा, एस आई डी लिखाते हैं। एस आई जेड देखो सबने ऐसे लिखा बेटा। यस मैम ऐसे लिखा। यस मैम ऐसे लिखा बेटा। तुम मार्क्स लगाओ अपने, सही है जिसका। नेक्स्ट बताओगे आप मुझे डेवलप का क्या लिखे? मैम डेवलप। यस मैम ग्रो। अच्छा देखो ये स्पेलिंग सही है आपके, आगे लिखो। मैम यस। मैम यस क्या लिखे बेटा इसका? मैम GROW। GROW ग्रो। GROW ग्रो। देखो सबने ऐसे लिखे। यस मैम। हाँ जी तो नेक्स्ट। यस मैम ये हो गया कंप्लीट, तो आगे नेक्स्ट लिखो सेवंथ। क्या लिखोगे सेवन था आप? मैं बोलती हूँ एक मिनट। नीड। नीड लिखो। मैम ओके। मैम नीड का हम बताएं? हाँ जी बताओ। हम बताएं? मैम डी एस आई आर डी। आई डी डीजर। मैम नो डी ई। मैम डी ई आई आर डी। एस आर मैम डी आई S I R D Decide. Decide. Yes. Decide. S D E S. मैं यस ऐसे लिखा हुआ है। मैम यस सेम। E E S I R E D decide. Decide नहीं है बेटा, desired इच्छा होती है ये, ठीक है? Need जो हमें चाहिए होता है। Need, ठीक है? मैम यस। हाँ जी नेक्स्ट लिखो आप। डिस्टेंस। डिस्टेंस मैम क्या? डिस्टेंस बेटा। मैम स्पेस। मैम स्पेस। यस डिस्टेंस क्या क्या आएगा? स्पेस लिख लो। डिस्टेंस क्या लिखे डिस्टेंस का? मैम स्पेस। स्पेस आएगा स्पेसी। मैं एस एस पी ए एस ई। एस ई नहीं बेटा, एस पी ए सी ई नॉट एस ई। एस ई ई स्पेस। एस ए बी ई। इसके अलावा क्या दिया था आपको? मैम बुक वर्क। मैं यस। ओके बेटा तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? फिल इन द ब्लैंक्स लिखो। फिल इन द ब्लैंक्स बेटा, फिलअप्स लिखनी है सबसे पहले। नंबर वन फिल दो न्यू वर्ड्स सबके कंप्लीट हो गए बच्चे? यस मैम। हाँ जी आगे फिल इन द ब्लैंक्स लिखो। आई एम ओके। खर्चे पति जी पर फिलअप्स लिखनी है बेटा आगे हमने। Fill in the blanks. मैं क्लास ला रही हूँ। हाँ जी फर्स्ट फिल अप लिखनी है बेटा आपने। संजीता दादा तेनू
हाँ जी लिखो बेटा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट फिलअप लिखो मास मैम क्या मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स टेल्स हाउ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डैश टेल्स डब्ल्यूएलएस टेल्स दैट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैम हम इसका बताएं हम बताएं मैम लाइट और हैवी लाइट और हैवी आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो मैम ने के लिए आंसर आंसर ही लिखने हाँ जी बेटा कंप्लीट हो गया बेटा ये सब का यस मैम मैं यस अब लिखे क्या आएगा अभी ओके बेटा लिख लो पहले लिख लो जिसका पेंडिंग है अभी मैम हमने लिख लिया मैं इसका आंसर आंसर लिख रही हूं यस ओके बेटा लिख लो लिख लो वन मिनट ओके बेटा कोई बात नहीं लिख लो इसका कंप्लीट हो जाए सेकंड फिलअप लिखो मैम ओके डैश डैश मैम डैश डैश थर्ड वाली भी डैश है मैम ओके And kilo and kilometer millimeter other unit मैम इसका बताएं बेटा सभी लेंथ की यूनिट्स हैं लेंथ आप किस किस में देख सकते हो सभी यूनिट्स मैम हम बताएं हाँ जी सबका कंप्लीट हो जाने दो पहले बेटा सुखमन सबका कंप्लीट होने दो पहले मैम बताएं अभी लिख लो पहले इतना टाइम आपकी अटेंडेंस लेते हैं ओके मैम हो गया हो गया बेटा गुड हाँ जी हो गया बेटा सबका दोनों फिलअप्स होगी यस लिखे yes, yes, अच्छा जो फर्स्ट वाली yes. बेटा फर्स्ट मैम हाँ जी एक्सक्यूज मैम हाँ जी बेटा बोलो मैम मैम अभी अभी मैम ऐड हुआ है मैम दोबारा से करवा दूँगा बेटा ये टेस्ट आपका ठीक है टेस्ट के क्वेश्चन लिख लो उसके बाद टेस्ट आपने अपने आप देना बेटा ओके ओके न्यू वर्ड्स 8 डाल लिया बेटा फिल इन द ब्लैंक्स अब फिल इन द ब्लैंक्स बाकी बच्चों की होगी बेटा यस मैम ओके चलो सेकंड वाली लिख लो अभी ठीक है फर्स्ट का बताओ पहले मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैम हाउ डैश मैम हम बताएं ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट फिल अप में क्या लिखा
मैम फर्स्ट में आएगा लाइट, सेकंड में आएगा हैवी, मैम सेकंड में आएगा, मैम सेकंड में आएगा लाइट, फर्स्ट में आएगा लाइट, वी के बाद आई नहीं आएगा, वाई आएगा, ठीक है? हाँ जी, लाइट, एल आई जी एच टी, लाइट. देखो सबने ऐसी लिखे स्पेलिंग, yes, ma'am. हैवी के स्पेलिंग एच ई ए वी वाई ऐसे लिखे, देखो मैम. यस यस मैम. ओके बेटा, मैम कितने मार्क्स दिए? कोई नंबर, वन मार्क दिए बेटा. फिलअप वन मार्क दिए, ठीक है? बोलो वन वन मार्क की, टू मार्क्स की फिलअप्स होगी. हाँ जी, नेक्स्ट का बोलो मुझे. फर्स्ट क्या लिखें मैम? एम ई टी आर ई, मीटर. मैम सेकंड फिलअप, मैम सेकंड में आएगा सी ई एन टी आई एम ई टी आर ई, और मैम थर्ड में आएगा एम आई डबल एल आई एम ई टी आर ई. यस मैम, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. मैम यस मीटर. खड़ जा कुड़िए, खड़ जा बिंद, खड़ जा बिरे, ऐसे लिखा बेटा. थर्ड में क्या आएगा? यस मैम. मैम थर्ड में आएगा एम आई डबल एल आई एम ई टी आर ई, मिलीमीटर. मिली, इसके बाद मीटर. यस देखो ऐसे लिखा आपने. यस मैम. यस ओके, तो ऐसे लिखे बेटा. दोनों फिलअप्स आपकी सही है, तो टू मार्क्स लगा लो अपने. टू मार्क्स की मैम. ओके मैम, ये टू मार्क्स की है वन? हाँ जी बेटा, वन तो वन मार्क की है बेटा. टू डाली है ना, तो टू मार्क्स की होगी मैम. ओके हाँ जी, नेक्स्ट लिखो एमसीक्यू. नेक्स्ट हेडिंग बनाओ बेटा. मैम ओके, एम सी क्यू. मैं बना लिया एम सी क्यू. एमसीक्यूज़ एक ऑप्शन लिखते हो ना, उसको एमसीक्यू बोलते हैं. मैम यस, मैं उसको एमसीक्यू कहती हूँ. बेटा गोलगप्पे बाद में खा लेना, पहले पढ़ ले, टेस्ट दे ले पहले. आई आई ना पाजी साहब, आई ना पाजी में हवाले दूंगी. हाँ जी, चलो नेक्स्ट लिखो. मैम टिक क्रॉस है? हाँ जी बेटा, टिक द ऑप्शंस है. बोल बोल के लिखो इनको. नमस्ते मेजर टू मास मेजर दामास टू मेजर. मैम इसका गिलास लिख दो. हाँ जी क्या हो गया सदीप? व्हाट हैपेंड बेटा? टेस्ट लिखना बेटा अच्छे से अपना. ऑप्शन ए मैं अपने तो लिख भी लिया इसका.
लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। क्या आएगा इसका? नवनीत सेकंड तो नहीं लगाई आपने? बीम बैलेंस बेटा लास्ट ऑप्शन है, सबकी सही है। यस मैम, लास्ट ऑप्शन। यस मैम, यस। तो नेक्स्ट लिखो अब आप। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज, आगे सेकंड एमसीक्यू लिखो। सेकंड एमसीक्यू लिखो बेटा। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ, द स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम हाँ जी, क्या आएगा इसका? सभी टाइम की यूनिट्स हैं बेटा, बट स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है? नहीं, सभी टाइम की यूनिट्स नहीं डाली हुई इसमें, एक इसमें लेंथ की भी यूनिट डाली हुई है। कौन सी यूनिट है लेंथ की? लेंथ की यूनिट बताओगे? लेंथ की यूनिट कौन सी है? लेंथ की मैम मीटर। यस, गुड। अब टाइम की बता दो बेटा, टाइम की क्या यूनिट है? मैम उसकी है मैम फोर्थ सेकंड। मैम फोर्थ वाली ऑप्शन मैम सेकंड। मैम यस बेटा, सेकंड लास्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। मैम भी यस, मैम भी लास्ट वाली ऑप्शन सेकंड। अच्छा, आप सेकंड बोला था ऐसे आपने। ओके गुड, सेकंड आएगी। ठीक है, टाइम के यूनिट्स होते हैं सेकंड, सेकंड्स में लेते हो आप टाइम। सेकंड आएगी, बट वो कौन सी है? लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट मैम। यस हाँ जी मैम, यस। आपका टेस्ट कंप्लीट। मैम हमारा टेस्ट कंप्लीट है सर। मैम हमारा भी, हमारा भी। ओके बेटा, ओके ओके। कितने मार्क्स का टेस्ट हो गया बेटा? टेस्ट को बताओ कितने मार्क्स का हो गया अब अपना? मैम देखते हैं हम। तो क्या तो मैम 11 मिला के देख लिया सबने टेस्ट का अपने मार्क्स का? 1 2 3 4 5 6 7 8 पक्कट वाला मार्क्स का हुआ सबकी? 11 यस मैम, मैम पक्कट वाला था। तभी बताओ कितने मार्क्स का टेस्ट हुआ? हो गया, देखते हैं कौन दिखाती है या नहीं आपको। मैम 12 मार्क्स का टेस्ट। गुड, न्यू वर्ड से 8 मार्क्स के, न्यू वर्ड 8 मार्क्स के थे बेटा, 8 मार्क्स के। मिलिंदा 2 मार्क्स की थी। एमसीक्यू 10 के थे, 12 हो गए। टोटल 12 का टेस्ट है। हाँ जी, टोटल 12 मार्क्स का टेस्ट है बेटा। अब बताओ मुझे कितने मार्क्स आ गए आपके? मैम हमारे 12 में से ओके बेटा, वेल डन बच्चे। बाय बाय। ओके बेटा, देखो
मैम देख रही है। हां जी देख लिया बेटा मैंने टेस्ट आपका। वेल डन बच्चे, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया आपने। ओके मैम थैंक यू। मैम बाय। मैम बाय। व्हाट हैपेंड, ये किसने किया? आकाश बेटा। अब ये काश ने की है, काश की अटेंडेंस आज की नहीं लगी। सबको पता चल गया ना अब आकाश की अटेंडेंस क्यों नहीं लगेगी आज? मैम यस। हां जी मैं क्यों नहीं लगेगी? ये आकाश ने बनाया बेटा, इस पे आपको शो हुआ ना जो अभी। मैम यस। तो उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। मैम यस। जो ऐसे बच्चे होते हैं ना उनकी अटेंडेंस नहीं लगाई जाती। जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे आप जैसे होते हैं, जो सभी यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, लगती है। हाँ जी, तो अब आज की क्लास बेटा आपकी कंप्लीट हो गई है। आप कोई भी डाउट हो तो मैम डायरी क्या है? कल आप इसके क्वेश्चन दोगे बेटा। मैम ओके। टेस्ट चेक हो गया था सबका? यस मैम। ओके ओके बेटा ओके। तो मैं अब यहाँ से इसको हटा देती हूँ ताकि हम तो क्लास में भेज सकें। मैम आप कल इसके सारे क्वेश्चन का टेस्ट ले लेना। ओके बेटा ओके। एक सुपमन बेटा मुझे अपनी नोटबुक की ना पिक्स भेज देना, इसकी क्वेश्चंस सेंड किए हैं आज आपने? क्वेश्चन की भी। मैम यस। ओके बेटा मैम क्वेश्चन की भी सेंड कर दी थी। ओके बेटा ओके थैंक यू। मैम वेलकम।